हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट अस, कीप शेयरिंग अस फॉर मोर सच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 24th क्लास है आज वोकैबुलरी सीरीज की, और आज हम 2 मिनट में 10 वर्ड सीखने वाले हैं। स्ट्रेंज ना, फटाफट सीखते हैं और शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज गाइस एंगेज। एंगेज को हम कैप्चर या अट्रैक्ट भी कहते हैं। संलग्न होना, किसी चीज़ में एंगेज होना यानी कि संलग्न होना, इन्वॉल्व होना। ही इज श्योर दैट ही कैन एंगेज एन ऑडियंस। तो वो जो है वो श्योर है कि वो एक ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है, एंगेज कर सकता है, राइट? एंगेज के 2-3 मीनिंग्स होते हैं, याद रखना आप। एंगेज का मतलब कैप्चर भी होता है, अट्रैक्ट भी होता है, और इसके अलावा एंगेजमेंट यानी कि सगाई को भी एंगेजमेंट कहते हैं। सो कीप इन माइंड। स्कार्स, स्कार्स का मतलब वो चीज़ जो शॉर्ट है सप्लाई में या फिर दुर्लभ है, जल्दी से पाई नहीं जा सकती है। वेल्दी पीपल कैन अफोर्ड टू बाई स्कार्स एंटीक्स। जो पुराने एंटीक्स होते हैं, बहुत बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको हम एंटीक्स कहते हैं, और जो पुरानी भी होती हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेल्दी पीपल जो होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं एंटीक्स को खरीदने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इसका इज वेन। वेन का मतलब व्यर्थ, जो कि चीज़ यूजलेस है। ही ट्राइड इन वेन टू स्टॉप द वाटर फ्लो। उसने कोशिश करी, और कैसी कोशिश की? व्यर्थ की कोशिश करी वाटर फ्लो को रोकने की। नेक्स्ट वर्ड इसका इज रेंडर। रेंडर का मतलब होता है सबमिट करना, प्रस्तुत करना। हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं ना, तो हम रेंडर करते हैं। साइट ऑफ हर रेंडर्ड हिम स्पीचलेस। उसकी जो साइट थी, उस लड़की की जो साइट थी यानी कि उसकी जो दृश्य था, वो उस दृश्य ने उसको क्या किया? स्पीचलेस कर दिया। लास्ट वर्ड इज गाइस अटर। अटर का मतलब होता है पूरा करना या कुछ कहना, कंप्लीट भी कहते हैं इसको, और कुछ कहना भी कहते हैं। तो मैं दोनों के ही सेंटेंस आपको बताऊंगी। ही फेल्ट एन अटर फूल। उसको महसूस हुआ पूरा बेवकूफ़ होना, मतलब उसको कहीं पे ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे उसको खुद को वो कंप्लीट फूल उसने महसूस किया। और अगर हम कुछ कहने के सेंस में देखें तो ही अटर्ड ओनली फ्यू वर्ड्स आफ्टर हर मदर्स डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है गाइज मौत हो जाना। अब उसकी मौत के बाद उसने सिर्फ कुछ ही वर्ड्स कहे। तो गाइज ये थे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको समझ आए हों। 2 वर्ड्स उसमें ऐसे थे गाइज जिसके अलग अलग मीनिंग्स भी हमने आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ आए हों, आपको पसंद आए हों। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।